हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैम्ब्रियन कॉलेज के बारे में है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो के एंड में हम आपको कैम्ब्रियन कॉलेज में पढ़ने के चार मेन बेनिफिट्स भी बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ऑफर लेटर, ट्यूशन फीस एंड अवेलेबल प्रोग्राम्स की। लेट्स स्टार्ट विद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अगर हम एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपके जो एकेडमिक्स हैं वो 55% से नहीं कम नहीं होने चाहिए आपकी 12th में, अगर आप यूजी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें। इसी के साथ ही अगर यूजी प्रोग्राम्स में जो आइल्स स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो 6 ओवरऑल बैंड है और 5.5 से कम नहीं होने चाहिए किसी मॉड्यूल में भी। और इसके अलावा अगर आप पीटी से अप्लाई करते हैं तो आपको 58 स्कोर्स लेना होता है। अगर आप टोफल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 80 स्कोर चाहिए होते हैं। फॉर पीजी स्टूडेंट्स, उसके लिए भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 55% ही है फॉर एकेडमिक्स। एंड अगर आप आइल्स इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो आइल्स में आपके 6.5 ओवरऑल होने चाहिए, नो बैंड लेस देन 6। और अगर पीटी की बात करते हैं तो आपके पीटी के स्कोर 58 होने चाहिए ओवरऑल। और जो टोफल का इसका रिजल्ट है वो 84 पे भी आपको जो एक्सेप्ट करता है। मूविंग ऑन टू गैप एंड बैकलॉग्स, अगर आपको गैप के साथ अप्लाई करना है तो यूजी प्रोग्राम्स में आपका 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप पीजी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 5 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बैकलॉग्स की बात करें तो अगर आपने 3 ईयर्स की डिग्री की हुई है इंडिया में तो आपके जो मैक्सिमम बैकलॉग्स हैं वो 4 होने चाहिए। अगर आपने 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री की हुई है तो मैक्सिमम बैकलॉग्स आपके 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर की। इस कॉलेज में आपको कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं मिलती। सो जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी अपना आइल्स एंड पीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके 12th ग्रेड या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट अवेलेबल होने चाहिए। अगर ओपन स्कूल बोर्ड्स की बात करते हैं तो ये कॉलेज ओपन स्कूल बोर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट अवेलेबल इंटेक्स। कैम्ब्रियन में जो आपको टोटल इंटेक्स मिलेंगे वो आपको साल में 6 इंटेक्स मिल जाते हैं, जैसे कि अदर पब्लिक कॉलेजेस में आपको केवल 3 ही इंटेक्स मिलते हैं साल में। यहाँ पे आपको टोटल 6 इंटेक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट ऑफर लेटर फीस एंड ऑफर लेटर टाइमलाइन। जो ऑफर लेटर की इसकी फीस है वो $95 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा जो ऑफर लेटर की टाइमलाइन है, आपको 4 से 6 वीक में आज की डेट में इसका ऑफर लेटर मिल जाता है। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो कैम्ब्रियन जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल कॉलेज है पब्लिक कॉलेजेस में। इसकी जो ट्यूशन फीस है फॉर पीजी प्रोग्राम्स $11,500 से शुरू होकर $17,000 तक जाती है, और फॉर यूजी प्रोग्राम्स भी आपको जो फीस है 12,500 से शुरू होकर 16,500 में मिल जाती है। स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे टोटल 11,000 फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं और 4,000 पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लोकेशंस ऑफ कैम्ब्रियन कॉलेज। कैम्ब्रियन कॉलेज की अगर लोकेशंस की बात करते हैं तो इसका जो मेन कैंपस है वो सडबरी में है, जो 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा इसके 2 और कैंपस एस्पिनोला एंड लिटिल करंट भी ओंटेरियो में है। अगर हम इसके पॉपुलर कैंपसेस की बात करते हैं तो इसके इन 3 कैंपस के अलावा 3 और कैंपस हैं, जो कि कैम्ब्रियन एट हैंसन के नाम से जाने जाते हैं, जो 2005 में एस्टेब्लिश हुए थे। और ये सारे कैंपस वैनकूवर, टोरंटो एंड ब्रैम्पटन सिटीज में हैं, जिस कारण ये बहुत ही पॉपुलर कैंपसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवेलेबल प्रोग्राम्स की। कैम्ब्रियन कॉलेज में आपको बहुत सारे पॉपुलर प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 80 फुल टाइम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर हम यूजी प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं वो टूरिज्म का डिप्लोमा है, हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा है, बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, और इसके अलावा फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन का डिप्लोमा भी मिल जाएगा। अगर हम पीजी प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि व्हाई यू शुड गो टू कैम्ब्रियन कॉलेज फॉर योर स्टडीज। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आइल्स की, जहाँ पे जो आइल्स स्कोर्स हैं वो 5.5 in 1 मॉड्यूल एक्सेप्टेबल है। और सेकंड जो इसका सबसे बड़ा फायदा है, इसके 3 कैंपस मेट्रो सिटीज में मिल जाते हैं ग्रेट लोकेशंस पे, जैसे कि टोरंटो, ब्रैम्पटन एंड वैनकूवर। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी ट्यूशन फीस काफ़ी कम है, जो कि 11,500 है। तो चौथा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, इस कॉलेज में आपको 6 इंटेक्स इन ए ईयर मिल जाते हैं। इट मींस कि एवरी 2 मंथ्स आपको नया इंटेक मिल जाता है, जैन के बाद मार्च, मार्च के बाद मई। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।